नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बूस्ट सॉफ्ट बदलने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदला जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, तो वीडियो में बने रहे। अगर आप स्किप करोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, मोटर का खोल लेना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैंने इसकी पेंच खोल लिया है। तो सबसे पहले ये वाली हम इसकी जो क्वार्टर पिन है वो निकाल देंगे। वो इसलिए लगी है फ्रेंड्स कि ये बुलेट पराठा है, तीन पंखड़ी वाला, उसकी पंखड़ी में कट लगा हुआ रहता है, तो इसलिए ये हमारा लॉक लगा रखा है। लूंगा फ्रेंड्स, ये मेरा निकल चुका। सबसे पहले मोटर को जो है खोल लेंगे हम। तो ये देख सकते हैं आराम से मेरा जो निकल गया ऊपर वाला कवर, नीचे वाला भी हम ठीक इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, इसमें से रोटर ये बाहर निकालना है। तो देख सकते हो जैसा कि ये मेरा जो है तारों में अड़ रहा है। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, तार जो है थोड़ी थोड़ी जो है हमें फैला देनी है इस तरीके से। ये मेरा आराम से निकल चुका है, मोटर हमारी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, मोटर से हमें कोई काम नहीं। तो इसको मैं साइड में रख दूंगा। तो फ्रेंड, अब हमें करने क्या है, सबसे पहले इसके बूस्ट बदलने होंगे हमें, और इसकी सापट मैं बदल के दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, बूस्ट बदल लेता हूं मैं। आपको ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से रिपीट काट रहा हूं और किस तरीके से लगाऊंगा। तो फ्रेंड, देख सकते हो अब मैं रिपीट काटने जा रहा हूं। रिपीट ध्यान से देखनी आपको, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो ये बांक लिया है, थोड़ा सा भारी है। चाहे आप दीवार की तरफ लगा के पकड़ करके इस तरीके का देख सकते हो। एक मैंने पेचकस लिया है जो कि मेरा खराब हो चुका है पीछे से, और आगे से मैंने लगा लिया इसमें धार। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, ये जो रिपीट आप देख रहे हैं इसकी ऊपर वाले हिस्से पर रख के मारना है। तो देख सकते हो मेरी एक चोट में रिपीट यहाँ से कट चुकी है और मेरी रिपीट नीचे आ चुकी है। ठीक इसी प्रकार से हम चारों रिपीट काट लेंगे, इस कवर की और चार दूसरे कवर की। एक एक चोट में ही देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अलग होते जा रहे हैं। मुझे रिपीट काटने में जरा सी दिक्कत नहीं हो रही है, मेरा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कट चुका है फ्रेंड, बिल्कुल आराम से। ठीक, मैं दूसरे का भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल प्यार से कट चुका है। रिपीट काटने के लिए फ्रेंड्स आपको बहुत दिक्कत होती होगी, तो मैं ये नया जुगाड़ आपके लिए लेकर के आया हूँ। एक से दो चोट में फ्रेंड्स बिल्कुल अलग हो जा रही है हमारी रिपीट। ये देख सकते हैं मेरा इसमें भी कट चुका है फ्रेंड्स, और जो इसके अंदर बचे हुए ये आराम से प्लास से खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हमें इसके अंदर। तो फ्रेंड, दोनों कवर की रिपीट मैंने काट ली है। अब कोई गंदा कपड़ा लेकर के इसको अच्छी तरीके से सारा सामान हमें कर देना है बिल्कुल साफ। सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना फ्रेंड, अच्छी तरीके से करनी है। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने रिपीट ठोकने के लिए जो एक गोल सी डाई बनवाई है रिपीट ठोकने और लगाने के लिए। हालांकि मैं इसका यूज अभी नहीं करूंगा, इसको बाद में दिखाऊंगा। इसमें रिपीट काट सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और अभी मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो बूस हमें यहाँ रखना है। तो उसके बाद रखना है हमें नमदा, और फिर रखनी है ये वाली देख सकते हो पत्ती, जो कि इसको टाइट करके रखती है बूस को, और ये ऊपर से हमारा कवर लग जाएगा बूस का। और रिपीट फ्रेंड्स हम दो डाल देंगे आमने सामने। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने दो रिपीट डाल दी है, कि यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इसको फ्रेंड्स हमें रखना है इस तरीके से, और जो ये मैंने पेचकस लिया था फ्रेंड्स, इसको जो है हल्का सा उधर की साइड प्रेस कर देना है। ये देख सकते हो मैंने प्रेस किया, सिल्वर की रिपीट है मेरी, आराम से मुड़ गई। अब थोड़ी की मदद से इसको ठोक देना है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार इसे पत्ती को हमें नीचे दबाना है, रिपीट को उधर की साइड धक्का देना है आगे की तरफ। ये देख सकते हैं मेरी रिपीट जो मुड़ गई आराम से, और मैंने ठोक दिया। अगर रिपीट को हम सीधा ऊपर से मारेंगे फ्रेंड, तो रिपीट हमारी जो है ज्यादा लंबी होने के कारण सही से मुड़ेगी नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें जो है आगे की तरफ मोड़ देनी होगी रिपीट को दो। ये देख सकते हैं फिर वही तरीका मैं अपनाऊंगा, ये हल्का सा उधर प्रेस करना है हमें, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा तो हम ठोकेंगे तो उधर की तरफ ही चला जाएगा ये। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी हो गया है अच्छी तरीके से मेरा रिपीट फ्रेंड, देख सकते हो लग चुका है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं आई। तो ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स हम दोनों
कवर की रिपीट जो है आराम से बदल लेंगे। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स मेरे दोनों लग चुके हैं। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हमें करना क्या है, ये जो मोबिल ऑयल देख रहा है ये बहुत जरूरी है डालना, तो इसको अच्छी तरीके से डाल लेंगे। बुश तो मैंने तेल में डुबा रखे थे पहले से, लेकिन ये जो रुई लगी रहती है फ्रेंड्स ये हमारा ऑयल स्टोर करने के लिए लगी रहती है, तो इसको पूरा हम भिगा देंगे। अब फ्रेंड्स बदलनी होगी हमें शाफ्ट, इसकी शाफ्ट बदलने के लिए फ्रेंड्स हमें करना क्या है, तो देख रहे हो शाफ्ट की पीछे वाली लंबाई जो है बिल्कुल बराबर रखनी है। तो देख सकते हैं मेरा जो ये सलाई के चूड़ियां हैं वहीं तक इसकी है, आप किसी भी चीज से नाप करके इसको रख लीजिए, इतना ही हमें इसको ठोकना है। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने नई शाफ्ट ले ली है, सबसे पहले इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं पाइप पर रख के पीछे की साइड से इस पर चोट मार दूंगा। तो फ्रेंड देख सकते हो मेरी शाफ्ट जो आराम से निकल चुकी है। अब हमें जो है नई शाफ्ट ले ली है, देख सकते हैं एक तरफ हमारी चूड़ी है और दूसरी तरफ चूड़ी नहीं है, सेम बिल्कुल साइज की शाफ्ट है ये। तो इसको फ्रेंड्स करना क्या है हमें, एक तरफ हमारा ऊंचापन होगा रोटर में और एक तरफ जो है नीचापन होगा। तो नीचापन फ्रेंड्स यहाँ से है हमारा, तो इसको फ्रेंड्स ये चूड़ी वाला हिस्सा जो है नीचे वाले की तरफ से डालेंगे और इसको ज़मीन पर जो है इस तरफ से ठोकना है हमें। चाहे तो हम लकड़ी वगैरह भी ले सकते हैं, अगर लकड़ी नहीं है तो आप फर्श पर ठोक सकते। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स मेरी बड़ी मेरी पहले थी उतनी बड़ी अब है, तो मुझे यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। मेरी शाफ्ट जो अच्छी तरीके से ठुक चुकी है, आइए मैं इसे फिट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड मैंने शाफ्ट जो बदल ली है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इसे बदलने में। चूड़ी वाली तरफ से हमें नहीं ठोकना, हमें जो है दूसरी तरफ से ही ठोकना है। और डालने के लिए फ्रेंड्स मैंने बता दिया, एक तरफ रोटर में उठा हुआ हिस्सा रहता है और एक तरफ जो है दबा हुआ रहता है, दबे की तरफ से हम डालेंगे और दबे की तरफ से ही हमें ठोकना है, तभी ये अंदर जाएगा। अगर हम उल्टी तरफ से ठोकेंगे फ्रेंड्स तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, तो हमें आएगी दिक्कत ठोकने में। तो चलिए फ्रेंड्स मोटर को फिट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा बुश शाफ्ट काम कर रहा है अच्छी तरीके से या नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने मोटर ले ली है, नीचे वाला कवर हम जो इसका लगाएंगे एक तरफ, सबसे पहले जहां से मैंने ठोका था उसे जो है बुश के अंदर घुसा के देख लेना है कहीं हमारा फूल तो नहीं गया। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा जरा सा भी नहीं फूला है, बिल्कुल आराम से बुश के अंदर चला जा रहा है, कितने प्यार से जो है घूम रहा है। तो इसका नीचे वाला कवर जो फ्रेंड्स ये वाला है, तो इसको जो है इसके अंदर डाल देंगे, तो छेद में मिला लूंगा फ्रेंड्स तार डालने के बाद। इसको हल्का सा एक बार चोट मार दें फ्रेंड्स, और जो हमारे बॉडी में स्टेटर के अंदर जो कट बना होता है वहां का बैठ जाएगा। तो फ्रेंड कवर हमने बिठा लिया है, एक हमने स्पेसर डाला है, थोड़ी एक से दो वार्सल डाल दी है मैंने, जितनी हमें जरूरत होगी हमें उतना डालना है। तो ये तो फ्रेंड बिल्कुल अच्छी तरीके से बीचों बीच आ चुका है। अब ठीक उसी प्रकार से हम जो है ऊपर वाला स्पेसर डाल के ये मैंने एक वार्सल डाल दिया है, अब जो ऊपर वाला कवर लगा लेंगे हम। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने तो बैठा लिया है अच्छी तरीके से, मेरा बिल्कुल फ्री घूम रहा है। देख सकते हो मेरा नट टाइट होगा, जैसे ही मेरा नट टाइट हुआ मेरी शाफ्ट जो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने लग गई, हाथ से घुमाने में बिल्कुल सेट हो चुकी, मुझे इसमें एक भी हथौड़ी की चोट नहीं माननी पड़ी। तो फ्रेंड इसके अब कर लेते हैं कनेक्शन। तो फ्रेंड देख सकते हो मेरी जो मोटर उल्टी है और सीधी दोनों तरफ अच्छी तरीके से चल रही है, इसकी बॉडी भी चेक कर लेंगे फ्रेंड, इसमें कोई आवाज नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा बुश शाफ्ट बदलने का तरीका कैसा था मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।